शांति के लिए शिक्षा एक ऐसा अभियान है जो पूरे विश्व में आवश्यक समझा जा रहा है और पूरे विश्व के लिए इसे चलाया जा रहा है। हमारे विश्वविद्यालय में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर के कोर्स में इसको रखा गया है ताकि अध्यापकों द्वारा अपने बच्चों को इस बात की शिक्षा दी जाए कि हम शांति को किस प्रकार से शिक्षा द्वारा स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति की भावना प्रबल हो, इसके लिए हम कैसे जोर दें और कैसे बच्चे प्रेरित हों, आने वाली पीढ़ियां इस बात से अधिक से अधिक प्रेरणा ग्रहण कर सकें कि वास्तव में पूरे विश्व में पूरे देश में शांति की बड़ी आवश्यकता है। सबसे पहले 1980 में वेल्स में इसका प्रस्ताव आया कि शांति के लिए शिक्षा जरूरी है और यह एक अभियान के रूप में काम करना चाहिए। इसी कारण सन 2000 को शांति का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया गया। तो यह एक ऐसा पाठ्यक्रम है जो पूरे जीवन के लिए वैश्विक स्तर पर शांति की स्थापना के लिए बहुत ही आवश्यक है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी शिक्षा प्रणाली तब तक सफल नहीं मानी जा सकती है जब तक वहाँ पर एक अच्छी सद्भावनापूर्ण सहअस्तित्वपूर्ण मानवतापूर्ण समाज के निर्माण का संकेत न हो, उसकी व्यवस्था न हो, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य यही है। शिक्षा का उद्देश्य मानवीयता है, ऐसी प्रगति जो सर्वांगीण हो, जो मानवीय स्तर पर, जहाँ घृणा न हो, द्वेष न हो, अशांति न हो, आतंक न हो। आज पूरी दुनिया आतंक से परेशान है, शायद कोई देश ऐसा बचा हो जहाँ आतंकवाद की समस्या ना। तो ऐसी परिस्थिति में हम शांति के लिए शिक्षा की जो बात करते हैं वह एक बहुत ही व्यावहारिक और प्रासंगिक प्रकरण हो गया है पूरे विश्व के लिए। और इस प्रकार हम शांति के लिए शिक्षा एक अध्याय के रूप में अपने पाठ्यक्रम में रखते हैं। कहा जाता है कि कोई भी सभ्यता तब तक सफल नहीं होती, अच्छी नहीं मानी जाती है जब तक वहाँ पर अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं, और कोई भी शिक्षा तब तक सभ्य मूल्यों को स्थापित नहीं कर सकती, समाज को सभ्यता की ओर नहीं ले जा सकती जब तक कि उसमें सार्वभौम स्तर के शांति की व्यवस्था न हो, शांति का पाठ न पढ़ाया जाए। इसलिए जो मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र है, जो उसकी उस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में घोषित किया गया, उसी के आधार पर सारे देशों ने अपने संविधानों की रचना किया, अपनी व्यवस्थाओं की। बहुत सारे संविधान पहले से थे जो बाद में बने, उनमें कुछ वो मूल्य रखे गए जो शांति का पाठ पढ़ाने वाले हों। जो पुराने संविधान थे उन्होंने अपने यहाँ संशोधन किया, और जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं जहाँ मानवता, मनुष्यता, शांति और संप्रदाय से अलग हट करके एक दूसरे के साथ सहिष्णुता और एक दूसरे के अस्तित्व की भावना का विकास हो, ऐसे में शांति के लिए शिक्षा एक जरूरी अभियान बन गया और यह पूरे विश्व में चलाया जा रहा है। विश्व तनाव मुक्त हो, विश्व हिंसा रहित हो, विश्व में सभी एक दूसरे के अस्तित्व का, सह अस्तित्व का पालन करें, युद्ध की स्थिति न बने, जैसा कि आज देख रहे हैं कोरोना संकट में भी लोग काफ़ी मिलजुल करके, पूरी दुनिया के लोग इससे लड़ाई लड़ रहे हैं।
तो ये एक शांति का संकल्प होता है। और सभी दर्शन, चाहे वो भारतीय दर्शन हो, भारतीय वेद से लेकर के पुराणों तक जो हमारे विविध शास्त्र हैं, जो हमारे मनीषी हैं, या जो पाश्चात्य दर्शन हैं, या पाश्चात्य जो अन्य हमारे धर्म हैं, जैसे क्रिश्चियन में ईसा मसीह ने शांति का पाठ पढ़ाया, बुद्ध ने अहिंसा शांति का संदेश दिया, सभी धर्मों में इसकी चर्चा की गई है। हमारे यहाँ वैदिक दर्शन में, वेदों में तो इसका बड़ा ही महत्व रहा है। हम अपने सारे कार्यक्रमों में सबसे पहले इसीलिए स्वस्ति वाचन करते हैं, ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपा शांति, औषधया शांति, वनस्पतया शांति, विश्व देवा शांति। तो जो ये हमने शांति का आवाहन किया सबसे पहले किसी कार्यक्रम में, जो शांति की बात की, और यही नहीं पूरी पृथ्वी के लिए, पूरे आकाश के लिए, पूरे वायुमंडल के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए, और जो हमारा पूरा यूनिवर्स है उसके लिए हमने शांति का आह्वान किया। इसलिए भारतीय दर्शन बड़ा महत्वपूर्ण है शांति की शिक्षा के लिए। जहाँ तक आज का दौर है उसमें शोषण मुक्त समाज की स्थापना, लैंगिक भेद, जो स्त्री पुरुष के भेद हैं वो समाप्त हों, जो रंग भेद है आज भी कुछ देशों में, बड़े विकसित देशों में थोड़ा सा रह भी गया है, ऐसी जगह पर रंग भेद न हो, सभी मनुष्यों के साथ समतामूलक व्यवहार किया जाए, हर स्थान पर इक्वलिटी और लिबर्टी की भावना प्रबल हो। क्योंकि अरस्तु कहते हैं कि जब समानता के भाव नष्ट होते हैं, जहाँ असमानता पनपने लगती है वहाँ क्रांति आ जाती है, वहाँ अशांति आ जाती है, वहाँ संघर्ष के बीज पनपने लगते हैं। इसलिए शांति का पाठ पूरी दुनिया में पढ़ाया जा रहा है। मानवाधिकारों की रक्षा, सहअस्तित्व की भावना, युद्ध की जगह शांति की चर्चा, इस तरह से हमने शांति के लिए शिक्षा के भाव को प्रबल किया, एक ऐसा अध्याय विकसित किया जिससे पूरा विश्व लाभान्वित हो और हम इसका संदेश पूरे मानव समाज को दें, अपने बच्चों को दें, अध्यापक शिक्षा के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार करें, ताकि पूरे विश्व में एक शांति का वातावरण सुदृढ़ हो सके। और जब शांति का वातावरण सुदृढ़ होगा तो सभ्यता हमारी सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी, पीढ़ी दर पीढ़ी हम अच्छी चीज़ों को हस्तांतरित करेंगे और प्रगतिशील समाज अच्छी तरह से निर्मित होगा, जिसका आवाहन पेस्टोलॉजी जैसे दार्शनिक ने किया है कि प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। और प्रगतिशील विकास तभी संभव है जब सहअस्तित्व हो, सबका सम्मान हो, सबका कद्र हो, सभी धर्मों का, सभी जातियों का, सभी संप्रदायों का आपस में तालमेल हो, तभी हम शांति के लिए शिक्षा के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। धन्यवाद।